हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार पवा सीट कोर्स में। तो आज हम टीवीएस जुपिटर का सीट मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो क्यों करने वाले हैं? क्योंकि कस्टमर को बहुत बैक पेन होता है। आप देख सकते हो ये पूरा स्लोप है, तो ये स्लोप सब निकालने वाले हम। कस्टमर का कहना ये है कि जो पीछे बैठता है वो मेरे आंख पे ऊपर आता है, मतलब उनके ऊपर ढकलने जैसा आता है। तो हमने लिया है, वॉलिंग ली है आप देख सकते हो, और वॉलिंग को जैसा फोम का आकार है उसी हिसाब से हमने काट छाट के उसको बनाया है। आप देख सकते हो जैसे हमने काट छाट के ये बनाया है, जिधर ज़्यादा स्लोप है उधर ज़्यादा फोम है हमने ऐड किया है, और जिधर एंड होने वाला है उधर हमने लेवल दी है। उसके बाद हमने पूरा फोम लगा दिया है, आप देख सकते हो पूरा फोम हमने चिपका दिया है। उसके बाद हम साइड से जो बॉर्डर है वो भर देंगे, नहीं तो ये नहीं भरा तो कवर जब लगाएंगे तो उधर कवर की फिनिशिंग नहीं आएगी, बहुत खराब आएगी और फोम जल्दी ही वीक हो जाएगा। तो उसको नीचे से सपोर्ट हमेशा देना ही चाहिए। आप देख सकते हो हमने सपोर्ट लगा दिया है नीचे से। अब ये दोनों साइड लगाने वाले हैं, और जो एक्स्ट्रा फोम होगा वो हम काट देंगे, फिनिशिंग के हिसाब से काट देने वाले हैं। तो पहले तो हम दोनों बॉर्डर हमने भर दिया है, आप देख सकते हो। और जो अभी एक्स्ट्रा फोम है वो हम काट रहे हैं अभी। दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा फोम काट दिए है। अभी हम जो बीच का हिस्सा है वो एक्स्ट्रा हुआ है वो अब हम काटने वाले हैं। आप देख सकते हो अभी ये एक्स्ट्रा जो है, क्योंकि ये काटने का यही कारण है कि उधर थोड़ा सा डीप होना चाहिए, नहीं तो पहले जैसा ही सीट हो जाएगा। और इधर हम डीप कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब आदमी बैठेगा, कोई भी गाड़ी चलाने बैठेगा वो जगह से हिले नहीं, इसलिए हम उधर थोड़ा सा डीप किया है हमने। डीप करने के बाद और थोड़ा सा जो फाइनल फिनिशिंग है अब हम देने दे रहे हैं। अभी ये देखो, अभी हम फाइनल फिनिशिंग कर रहे हैं। फाइल के हिसाब से हम जो शेप है प्रॉपर वो कर रहे हैं। आप देख सकते हो कैसे हम फाइल के सहारे एक्यूरेसी से फिनिशिंग दे रहे हैं। इससे क्या होता है, जो नॉर्मल गड्ढे होते हैं वो सब लेवल में आ जाते हैं, और जो बचा कुचा फिनिशिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से बाहर आता है। आप सीट का मुंह भी देखो हमने भरा है, नहीं तो उधर भरा नहीं होता तो जो भी आदमी बैठता आगे वो फोम नीचे ऐसा झुक जाता। तो उधर भी हमने सपोर्ट लगा है, आप देख सकते हो फ्रंट साइड में, उधर भी हमने फोम का एक टुकड़ा लगा दिया है। इसके बाद पूरी फिनिशिंग कर दी है हमने, और जो ओरिजिनल कवर था ब्राउन कलर का डायमंड उस पर डिजाइन थी वही हमने सिलाई है, और ये प्रॉपर तरीके से अभी हो गया है। आप देख सकते हो ये डायमंड था उसके ऊपर ऐसा, जो ओरिजिनल कवर था और साइड पीस प्लेन ब्राउन था। तो हमने सेम टू सेम यही कवर बनाया है, आप देख सकते हो साइड से और आगे मुंह से सेम टू सेम। और साइड में आप साइड पीस देख सकते हो, हमने नायलॉन सिलाई मारी है वो भी बहुत शाइन कर रही है। उसके बाद हम
स्टेपलर फिटिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हो बहुत फिनिशिंग के हिसाब से ये काम करना पड़ता है। सब कॉर्नर चेक करना पड़ता है किधर क्या रहा है क्या नहीं। ये देखो आप, एक साइड का एक कॉर्नर स्टेपल किया, दूसरा साइड किया, इसी तरह से उसको फिनिशिंग आती है। ऐसा किधर भी ऐसा नहीं लगता कि कवर लूज रह गया क्या रह गया, पूरी फिनिशिंग दी है हमने। तो ये हुआ पूरा कवर का फिनिशिंग, आप देख सकते हो। अभी ये फाइनल फिनिशिंग दिखा रहा हूं मैं, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनल फिनिशिंग आई है उबर के। तो इसके ऊपर से अभी कोई स्लिपरी नहीं हो सकता और किसी को बैक पेन भी नहीं हो सकता, आप देख सकते हो। और ऐसा लगता भी नहीं ये कुछ मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि हमने सेम टू सेम कवर इसको सिला है। तो ये वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।